राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सेंधा नमक के चार ऐसे चमत्कारी उपाय जो आपकी फाइनेंस को तो ठीक करेंगे, आपके जीवन से रोग भी हटाएंगे, शोक भी हटाएंगे, आपको जो है जीवन में ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, और जो है अगर आपकी नौकरी में कोई परेशानी आ रही है तो नौकरी को भी आपके जो है बढ़िया तरीके से चलाएंगे, और साथ साथ में अगर आपके व्यापार में या बिजनेस में कोई घाटे हो रहे हैं तो वो भी पूरे करवाएंगे, और साथ में अगर आपके पास कहीं पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो वो भी आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको मैं ये जो चार उपाय बताने जा रही हूँ, ये उपाय जो है वो कोई भी कर सकता है, चाहे आपके पास कुंडली है या आपके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ भी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप ये चार चमत्कारी उपाय हर कोई कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो ये उपाय करेगा असर उसके ऊपर ही आएगा। तो आपको उपाय ये खुद ही करने हैं। तो चार वो कौन से ऐसे उपाय हैं, तो सबसे पहला उपाय जो है वो ये है कि आपने जो है सेंधा नमक लेना है। आपके घर में अगर बड़ी ज़बरदस्त नेगेटिविटी रहती है, घर में प्रॉब्लम रहती है, इरिटेशन होती है, घर में आते ही मन नहीं लगता है, घबराहट होती है, तो आपने क्या करना है कि आपके घर में कोई पितृदोष भी हो सकता है, उसका कारण आपके घर में वास्तु दोष भी हो सकता है, आपका कुंडली का चौथा घर भी डिस्टर्ब हो सकता है, आपके घर में जो है लोगों के नज़र दोष भी हो सकता है, तो कोई भी कारण हो सकता है। तो आपने क्या करना है, अमावस्या वाले दिन, अगर अमावस्या ना हो तो पूर्णमासी वाले दिन भी आप ये कर सकते हैं। अमावस्या वाले दिन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट इसको देखने को मिलेंगे। तो अमावस्या दिन वाले दिन आपने क्या करना है, सेंधा नमक लेना है, थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक आपने जो है अपने घर के चारों कोनों में आपने जाकर रख देना है। कमरे के चार कोने होते हैं, उसमें भी रख सकते हैं, पूरे घर के चार कॉर्नरों में रख सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा कमरे में बिखेर भी सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे रात को आपने 11:30 के बीच में आपने ये काम करना है, 10 बजे के बाद जब आप सोने चले जाएं, सारे काम खत्म हो जाए, तब आप ये काम करें, और सुबह अर्ली मॉर्निंग पर आप ये सारा जो है झाड़ू से ये सारा जो है सेंधा नमक को उठाइए और उसे जो है जाके फ्लश कर दीजिए, या फिर आप उसे डस्टबिन में डाल दीजिए अपने घर के या बाहर के। तो ये तो आपका उपाय है, इससे आपके घर में बहुत आराम आएगा, घर के सारे सदस्यों का जो है मन भी लगेगा और हर काम आपके बनते चले जाएंगे, क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ से हमें पूरी अपनी एनर्जी को जो है वो जनरेट करती है, पूरे पॉजिटिव एनर्जी जो है जनरेट होता है, जनरेशन होता है। तो घर के अंदर ही अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी तो आप जो है हर समय जो है बाहर भी आप जो है वो दुखी रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई डिप्रेशन होता है, आपको जो टेंशन होती है, आपको एंजाइटी होती है, आपको घबराहट होती है, आपको किसी भी तरीके का मानसिक रूप से आप परेशान हैं, मेंटल लेवल आपका ठीक नहीं रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो आप क्या कीजिए, शनिवार को और बुधवार को, सिर्फ ये हफ्ते में दो दिन उपाय करना है, शनिवार या बुधवार को आपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लेना है और उससे आपको नहाना है। तो महीने में ये आप 8 बार करेंगे उपाय, और एक महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार जो है होने लग गया है, आपके जो मैंने सेंधा नमक वाला उपाय बताया था, और ये इससे आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी जो है वो आने लग गई है। तो 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय, आपके जो हमारा बाथरूम होता है, बाथरूम में ही वो राहु का स्थान होता है, राहु जो है हमारा कहाँ छुपा हुआ है, बाथरूम में, तो राहु को ठीक करने के लिए अपने घर के बाथरूम को बिल्कुल स्वच्छ रखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। जब आप नहा के निकलते हैं तो पानी वानी वहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसको वाइपर से पूरा क्लीन वाइप आउट कर लीजिए, और जो है अपने अगर टॉयलेट को खुद साफ करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। साथ ही साथ आपने करना क्या है, एक कांच का बाउल लेना है और उसमें सेंधा नमक डालना है और उसे अपने बाथरूम में रख देना है। जब वो नमी पकड़ लेगा, यानी वो थोड़ा थोड़ा गीला होना शुरू हो जाएगा 15 दिन बाद 20 दिन बाद, उसको चेंज करते रहिए। ऐसा काम आप रूटीन में करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी जो है वो आने लग गई है। चौथा उपाय, और जो है बहुत ही ज़बरदस्त उपाय, चौथा उपाय क्या है करना है, आपने जो है कोई आपको कोई डर लगता है, कोई आपको जो है लगता है कि मुझे अभी इस इंटरव्यू पे जाना है, मुझे बिजनेस की डील करनी है, मेरे साथ में कुछ बुरा हो रहा है, मुझे किसी नज़र लग गई है, कहीं से भी आप होकर आते हैं या होने जा कहीं पर भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा सेंधा नमक आपने अपने हाथ में लेना है, हाथ में लीजिए, सीधे हाथ में ले लीजिए, उल्टे हाथ में लीजिए, उसके ऊपर अपने हाथ के ऊपर एक हाथ रख दीजिए और ऐसा ज़ूम कीजिए कि सारी नेगेटिविटी आपकी उस सेंधा नमक में जा रही है और आपके पास में पॉजिटिविटी आ रही है। ऐसा 2 मिनट तक आपने अपने कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं,
जो भी आपका मंत्र हो, जो भी आपके इष्ट देव हो, उनको याद करते हुए सारी नेगेटिविटी मेरी जो है इसमें जा रही है, उसके बाद आपने जो है क्या करना है, उस नमक को आपने लेना है और उसे जाके डस्टबिन में थ्रो कर देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर की सारी नेगेटिविटी जो है वो निकल जाएगी। पैसा देखिए, जब नेगेटिविटी निकलेगी तभी आपके घर में जो है वो पैसा आएगा। तो पैसा लाने के लिए ये चार उपाय बहुत हैं और आपके घर पे पूरी नेगेटिविटी भी निकल जाएगी, आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा, घर में पॉजिटिविटी भी आएगी और जो है जब मन खुश तो सब कुछ खुश। तो दर्शकों, ये चार उपाय आपने करने हैं। और मुझे जो है, आप अगर हमसे रात को लाइव पर मिलना चाहते हैं तो रात को लाइव पर मिलिए। रात को 10:30 बजे हम लोग फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम लेते हैं, जिसमें आप देखते हैं आपकी फ्री कुंडली विश्लेषण करते हैं, पूरी कुंडली में चर्चा करते हैं। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेके बात करना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पूरी कुंडली के एनालाइजेशन करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं साक्षी ठाकुर, राधे राधे।